2014 और 15 के जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं उससे हमारी चिंता बढ़ जाती है। माध्यमिक शिक्षा के स्तर तक स्कूल को छोड़ने वाले 53.57% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। पढ़ाएंगे तब जबकि बच्चे स्कूल जाएंगे, तो उनके स्कूल नहीं जाने का कारण हमको समझना होगा। और जब तक स्कूल को जाने की आदत उनकी नहीं होगी तब तक ये बात पूरी नहीं होने वाली है। इसलिए हमारी चिंता ये है कि ये जो बच्चे आधे से ज़्यादा जो स्कूल छोड़ रहे हैं उनको स्कूल जाने के लिए क्या उपाय करेंगे। और शिक्षा का जो अधिकार हमने कहा है और सर्व शिक्षा अभियान के बारे में हम सोचते हैं, इसको कारगर करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है। साथ ही साथ निजी स्कूल और सरकारी स्कूलों के शैक्षणिक स्तर में जो अंतर है उसको पाटने के लिए प्रभावी उपाय क्या होंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। सत्यनारायण जथिया जी, ये स्वयं अभी HRD के स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो वो बार बार इसका सारा रिव्यू भी लेते हैं और मुझे खुशी है, नहीं खुशी है, उनको पूछना नहीं चाहिए नहीं। वो बार बार एम्फोसिस करते हैं कि बढ़ाओ, अच्छा करो। तो इसलिए 3-4 कारण बताना चाहूँगा कि चाइल्ड नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज इज फेल्योर ऑफ आवर सिस्टम विच विल करेक्ट। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, एंगेजिंग इन डोमेस्टिक एक्टिविटीज, एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज अ मोर वाइडर सोशल प्रॉब्लम एंड विच वी हैव टू डील एंड एज वी गो प्रॉस्पर। पॉवर्टी से जितने लोग बाहर आते हैं तो पहला उनका सारा ध्यान शिक्षा पर होता है और दैट इज द वे। एंड देयर फोर इन 10 years things have changed and it is fast changing now scenario. So dropout on those counts will go down. What we are doing, as I have said, learning outcome, teacher education reform, then accountability all, and as you referred to PISA also, let me tell you, PISA has all the Western context and therefore we did not fare the rightly. Now PISA has already decided to have the Indian context, and therefore we are open for that test also, because we want our students to excel because they are good. We have to improve the system, and that is what exactly we are doing.